लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे, बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए, और हैदराबाद में जो जो इस स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। और सब लोगों ने देखा कि उन सब के परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने, तो ये बड़ी अच्छी बात की है। और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया, और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में, तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज उन्होंने किया, सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है और आभार व्यक्त करता हूं उनको। और हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि जो गलवान घाट लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में जो चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया गया था, तो उसी गलवान घाटी में सब लोग जो थे भारतीय सीमा में घुसने की मंशा से निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला किया था, और हमारे भारतीय जवानों के प्रति कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने उन लोगों को खदेड़ने के लिए पूरा काम किया था। और ये उस समय की बात सबको मालूम है। और उसी में लगभग 20 लोग शहीद हुए थे, और उन लोगों ने जो गोली चलाई और सब कुछ किया उसके चलते हुए, ये बहुत दुख की बात थी। ये बात तो सबको मालूम ही है कि 2020 में 15 जून को ये घटना घटी थी, तो इसको लेकर के तो सब लोगों को तकलीफ हुई ही थी, और जो कुछ भी था और केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी आर्मी के साथ हुआ है उसके लिए जो दिया जाता है, और उसके अलावे हम लोगों ने भी राज्य सरकार में ये तय कर लिया था कि शहीदों के परिवारों को, 5 शहीदों के परिवारों को 11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देंगे, और इसके अलावे मुख्यमंत्री राहत कोष से उन 5 शहीद के परिवारों को 25-25 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया गया था। तो ये सब तो जो करना है करते ही हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये तो यहाँ के थे तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि तेलंगाना से इन्होंने किया, घटना वहाँ की नहीं, घटना तो लद्दाख की है, और वहाँ के लिए भी इन्होंने जो लोग भी इस तरह की दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे इससे आर्मी वाले लोग, तो उसमें जो भी चाइना के लोगों ने किया था, तो इस तरह से जो इन्होंने तय किया कि हम अपनी तरफ से अपने राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को जरूर अपने राज्य सरकार की तरफ से मदद करेंगे, और उसी सिलसिले में उन्होंने चर्चा की, अन्य जगहों पर भी मदद कर चुके, और बिहार में भी इनका काम बचा हुआ था, आज आ करके इन्होंने भी काम पूरा कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, आप सब लोगों ने ये सब काम कर दिया है, और जो कुछ भी था, और 23 मार्च 2022 को जो एक स्क्रैप गोदाम में जो हुआ था 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी, अब उसी हिसाब से आप लोगों ने भी उन लोगों के लिए यहाँ पर आकर के 5-5 लाख रुपया कर दिया है। और जब ऐसी घटना कहीं हमारे बिहार के लोग जो काम करते हैं दूसरी जगह पर, मजदूरी करते हैं, कुछ तरह की कोई घटना घटती है, तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी इसके लिए मदद करते हैं। तो इन सब लोगों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से, एक तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपया, और एक जो है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, उसके माध्यम से भी 1-1 लाख रुपया सबको, ये सब तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपने सब लोगों के लिए किया और सबको वहां से भेजने की व्यवस्था की, तो ये सब बात आप इस बात के लिए चिंता करते हैं और ध्यान देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है।